अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग देसी साहिल। और सब बढ़िया होंगे। आज कल रात हम लोग श्रीनगर पहुंचे और वहां जाके हम सो गए। आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। और आज हम सुबह 8:30 बजे उठ के तैयार व्यार होके नाश्ता वाश्ता करके निकले हैं गुलमर्ग के लिए। और यहाँ का वेदर, सुबह तो ठंड लग रही थी, मतलब ठंड स्टार्ट हो चुकी है यहाँ के लिए। और अभी इस टाइम पर टेम्परेचर अराउंड कितना 20 डिग्री के आसपास है। और हम लोग, धूप माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली हुई है, आपको दिख ही रहा होगा, ये धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। अभी हम लोग निकले हैं गुलमर्ग के लिए। अब हम यहाँ से गुलमर्ग जा रहे हैं जो 86 किलोमीटर के आसपास है। हम लोग ऑलमोस्ट आधे रास्ते से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:46 और हमारा टाइम है पहुँचने का 10:40 के आसपास हम लोग पहुँच जाए हैं गुलमर्ग। और हमने, मतलब जो यहाँ के लोकल्स हैं वहाँ उनसे पता किया है, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि गुलमर्ग इस टाइम पे कुछ भी नहीं है देखने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से गुलमर्ग के लिए निकल ही गए हैं। तो आसपास आप देख ही रहे हो कितना अच्छा व्यू चल रहा है, साथ में बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, हर जगह हरियाली हरियाली है और सब चीज़ चल ही रहा है। बाकी चलिए अब शुरू करते हैं अपना नज़र दूसरा व्लॉग और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और कमेंट करें मेरे चैनल को। इस चीज़ से हम लोग को सपोर्ट मिलता है कि वीडियोस अच्छी अच्छी बनाने का। इसके बाद में हमारा बहुत लंबा वो है, प्लान है यहाँ से जाने का। लेट्स सी कितना पॉसिबल होता है और कितना नहीं। टिल देन वेलकम इन गुलमर्ग। हम गुलमर्ग पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट बॉर्डर क्रॉस किया है गुलमर्ग का। उसके बाद में ये व्यू मिला हमें, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए कि शूट करें। और ये रही हमारी गाड़ी जो बहुत बुरी कंडीशन में हो चुकी है इस टाइम पर, हर जगह धूल 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 धूल। तो हमने उस दिन आपको बताया था कि हम अपनी गाड़ी ज़रूर आपको दिखाएँगे। ये कुछ इस टाइप की हमने बनाई थी अपनी गाड़ी और ये टायर्स हमने लगाए हैं। वैसे इसमें आते हैं 235/65/17, बट हमने लगाया है 265/65/17। फॉर्चुनर का टायर है कि ऊंचा रहे, कोई प्रॉब्लम्स ना आए। वैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा मिस हो चुकी है, बहुत मिट्टी कीचड़ के अंदर से निकाल के लेके आए थे, क्योंकि बीच में श्रीनगर में रास्ता बहुत बन रहा है इस वजह से। और ये है कुछ हमारा नाम चैनल का, बैक प्रोफाइल ऐसी है कुछ, और साइड से भी बहुत गंदी हो रखी है। एक यहाँ पे लिखवाया हुआ है और वो रहे मासूम भाई हमारे। और ये व्यू देखिए, इस व्यू के चक्कर में हम यहाँ पे रुक भी गए। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, जैसे ये जो पीछे पहाड़ है, ये बहुत माशाल्लाह बहुत दूर से ही पता चल रहा है। बढ़िया है, कातिल जहर है जहर। मौसम बहुत मस्त हो रखा है, धूप का पता नहीं चल रहा। नहीं मासूम मस्त लग रहा है। और एक छोटा सा झरना यहाँ से निकल रहा है पानी का, लोग कहेंगे नाला है बट इट्स नॉट नाला। क्या लिखा है? चलिए फिर शुरू चलते हैं हम आगे गुलमर्ग की तरफ।
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. ये हम पहुंच गए गुलमर्ग. तू एक काम कर. हमने अपनी गाड़ी वहाँ लगाई. अब पार्किंग है यहाँ पे और फिर अब यहाँ से ये पूरा एरिया एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं. ये पूरा इस टाइम जब बर्फ़ होता है तो ये पूरा एरिया बर्फ़ में होता है और वहाँ पे लोग ज़्यादातर कैंप वैम्प कर रहे हैं उधर उस साइड में जितने हिल्स हैं. और यहाँ से आपको लोकल गाइड्स यहाँ पे पीछे पड़ जाते हैं कि आप ले लीजिए ले लीजिए. बट हम लोग खुद अपना अकेले एक्सप्लोर करेंगे. देखते हैं कहाँ तक कितना स्कोल हो रहा है एक्सप्लोर हो रहा है. बाकी बने रहिए देखते रहिए पता चलेगा कि क्या होगा. मासूम भाई बिजी फ़ोन में बस. ब्लॉग बना रहा है तुम्हारे बिना. तुम हर ब्लॉग में तुम्हारा नाम ले वो आने वाला उसको मिस कर रहे हैं तो हर ब्लॉग में. मतलब इतना महंगा है ये वाला हार्ट 3,000 रुपये. दो रूम बेडरूम. अच्छा इसमें खाना इंक्लूडेड होता है. ओके तो देख रहा है कितना मस्त. कहीं छाँव कहीं धूप. ये है अशोका होटल. एक टाइम पर पहले यहाँ था बट अभी ये जल गया है तो इसलिए इसको उसके बाद बनाया नहीं. पूरा होटल था ये. बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन किया गया था. इतने में सांस फूल गई हमारी चढ़ते चढ़ते. वहाँ से आ रहे हैं हम जहाँ गाड़ी खड़ी थी अपनी और अब यहाँ है. देखते हैं आगे क्या होता है. चलते हैं या घोड़ा लेते हैं या पैदल चलते हैं. हमारी सवारी दो घोड़े. भैया इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि चलो नमाज़ भी पढ़ना था. आज फ्राइडे है तो इन्होंने बोला हम भी नमाज़ पढ़ लेंगे इसी बहाने. तो मैंने कहा चलो भला ही हो इनका भी हमारा भी. बाय द वे लुक दिस ऑसम लग रहा है यार लिटरली. और इतनी ठंड भी नहीं है बट हल्की ठंड है. यहाँ टाइम लैप बन रहा है. अच्छा हुआ जैकेट नहीं लाया. ये यहाँ पे हमारा टाइम लैप बन रहा है. गर्मी लग रहा था. और ये पूरा व्यू. ये छोटा बच्चा रहता है बालामूला घूमने आया है. अब चलते हैं हम अपने घोड़े पे फिर दिखाते हैं. हमारी सवारी तैयार हो चुकी है तो जाने के लिए. बैठो, और इसके बाद में चलो अब मासूम भाई बनाएंगे. अरे रुक जा अभी वहां तो देख. यहीं बैठना है. वहाँ बैठना है यहीं बैठना है. दो आपका नाम क्या भैया. क्या फाकत रिफाकत. ये लोकल है जो हमें घोड़े पे लेके जाने वाले. ये पकड़ो. मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा. नहीं भागेगा. नहीं इससे पहले मैं पुष्कर वाले में बैठा था याद है. लोगों ने देखा है तो देखे. नहीं देखा तो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा. वो डाल दूंगा मतलब. रुक जा चल ना. ये ले. चलता कैसे. अब मासूम भैया की बारी. मासूम भैया बैठेंगे घोड़े पे. तैयार हो गए हैं मासूम भैया अपनी घोड़े पे बैठने के लिए. चले चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेट्स स्टार्ट. अरे बाप रे बाप. डर ही लग रहा है भाई. कहाँ भागेगा भाई. मासूम भैया आपको डर लगेगा फिर आपका डर. आप खुद भगाओगे फिर घोड़ा. नहीं भाई एक बार मैं वैसे ही पुष्कर में बैठ चुका हूँ. वो भगा रहा था वो भाग ही नहीं रहा था घोड़ा उसका.
इनको जितना स्पीड चलाओगे उतना चलेगा। ये प्रॉपर घोड़े हैं पर छोटे नस्ल के हैं, ये पहाड़ी घोड़े। अच्छा, ये पहाड़ी घोड़े हैं। हाँ, ओह नहीं नहीं तू कर। अरे भाई कैमरा लेके ना चला जा, चलो। ये सारे कॉटेज है ना, पर ये होम से ये बंद है ना इस टाइम पे? ये तो नया बना है। अच्छा, ये नए बने हैं, पूरा ग्राउंड खाली और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। 80,000 गोल्फ कोर्स, 18 होल्स। अच्छा, वर्ल्ड का नंबर 2 पे है ये। ओके, अच्छा स्कीम स्कीइंग हायर शॉप लिखा हुआ है इस पे। दोनों साइड में ही रूम्स। बर्फ के टाइम पे तो पूरा ही बर्फ होता होगा। अच्छा, मतलब अगर फरवरी में भी आएंगे तब भी बर्फ मिलेगा? हाँ, फरवरी मार्च अप्रैल तक भी अच्छी तरह बर्फ मिलेगी। अप्रैल के बाद वहाँ पहाड़ों पे बर्फ मिलेगी। अच्छा, अप्रैल तक यहाँ पे बर्फ मिलेगी। मासूम भाई हमारे सरदार है मासूम भाई सरदार है हमारे, बड़े है तो सरदार है। ये है स्कीइंग 5 BHK हट, ये 5 BHK वाला हट है यहाँ पे, मतलब पूरी फैमिली के लिए। वीडियो तो हल्की शेक हो रही होगी क्योंकि गिम्बल पे है, उस पे है सॉरी ट्राईपॉड पे, इस वजह से। साथ में छोटे छोटे फूल फ्लावर्स। इसकी आवाज बहुत सही है ना, टक्कर 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 टक्कर। नाल की आवाज होती है। आप इसकी नाल हमेशा चेंज करते रहते होगे? 15 दिन सफाई करनी पड़ती है। 15 दिन के बाद नहीं चलानी पड़ती, एक घिस जाती है ना रोड पे। अच्छा, ये BSF ऑफिस। गए पानी लेने के लिए, पानी लेने भेजा है कि पानी लेके आओ। ये पूरा BSF रुक जा, ये आगे अपने आप बढ़ गया। मासूम भाई कह रहे डर लग रहा है वो चले गए तो। ये पूरा BSF के कैंप्स है, इसके आगे बॉर्डर पड़ जाता है और यहाँ पीछे वो है मस्जिद। मस्जिद से इधर कॉटेज है सामान वामान के लिए जो आप ले सकते हैं, और उसके बाद में भी यहाँ से हमें और आगे जाना है वापसी में, हम फिर यहीं आएंगे। मासूम भाई हमारे सरदार हैं, सरदार की जय हो, जय हो, मासूम भाई की जय हो। पीछे चिल्ड्रंस पार्क था जहाँ पे मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, और ये है आर्मी कैंट और स्की का स्कूल, स्की का स्कूल, और वहाँ पे भेड़े चल रही हैं। पता चलना चाहिए कश्मीर में आप भेड़े नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा।
मुंह हाथ धोए, वहाँ देखो भेड़ सब जा रहे पानी पीने। मारते भी है भेड़ लोग, मारते भी है पता नहीं होगा ना, वो खतरनाक होता है, बड़ा बड़ा होगा पता नहीं, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा यहाँ भीड़ वेड़ कहीं। वो रहा है, देख एक वाइट वाला भेड़ा है, तेरे को बड़े नॉलेज है इसके, सारे पानी पीने जा रहे हैं। पान छोड़ ना, सब पानी पीने गए भैया, घोड़े के पैर वैर साफ कर रहे हैं यहाँ से, कीचड़ वीचड़ होते हैं मैदान पर। यहाँ पे भाई वैसे रात को कैंप करना बहुत मजा आएगा, बोट हाउस से ज्यादा मजा आया कैंप करने में। ये यहाँ से गोल्फ क्लब का रास्ता गया है, कितना चार्ज लेते हैं गोल्फ के लिए? 350-40 मिनट्स। चल आदित भाई आएंगे तो पक्का करेंगे, वैसे प्लान है हमारा यहाँ कैंप करने का, लेट्स सी होता है या नहीं। उधर आग भी जल रहा है अभी से ही। सही है, यहीं कैंप करेंगे शायद इंशाल्लाह। देखो ये है फेस्टिवल ग्राउंड, फेस्टिवल लगता कब है यहाँ पे? बूमरो बूमरो कोई गाना है, उसकी शूटिंग हुई थी इस एरिया में, बूमरो बूमरो। हाँ मिशन कश्मीर करके जो मूवी थी, देखते हैं यहीं पे इंशाल्लाह कैंप करेंगे हम अपना, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है कैसे होता भी है या नहीं। ये वहाँ पर एक चर्च है जब तक है, जहाँ मूवी की गाने की शूटिंग वहाँ हुई थी शाहरुख खान वाली पूरी। और यहाँ पे लोग जा रहे हैं, आंटी डर रही है, नो पार्किंग जोन। गोल्फ कोर्स बहुत बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का नंबर वन पे, वर्ल्ड का टू पे। अच्छा वर्ल्ड का टू पे है और एशिया का नंबर वन पे। यहाँ पे घोड़ा है, ये पूरा ही खाली है, कैंपिंग के लिए ही है ये बेसिकली, बट कैंप वहाँ करें जहाँ पानी मिले। देख यहाँ पे लिखा हुआ है नो पार्किंग, बिल्कुल पॉइंट पे चल रहा है। रहमत के घोड़े के साथ रहो हफीज भाई, रहमत के घोड़े के साथ। सारा एरिया पार्किंग पीछे दिख रहा है, पता नहीं धूप में क्या ही आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बट जितना कवर कर सकते कर रहे हैं। ये पूरा गोल्फ कोर्स है, यहाँ गोल्फ खेल सकते हैं, खेलेंगे चलो चले। प्री वेडिंग शूट चल रही है वहाँ पे, प्री वेडिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी यहाँ पर आपको, नॉर्मल आइए प्री वेडिंग करवाइए और जाइए। बस हम अपने डेस्टिनी पे पहुँच गए हैं, डेस्टिनेशन सॉरी नॉट डेस्टिनी डेस्टिनेशन। पैदल चलिए अब मिलते हैं गाड़ी पे, घोड़ा हमने छोड़ा, अब यहाँ से हम पैदल पैदल जाएंगे। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ से हमें पैदल 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 गाड़ी तक जाना है, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो गया, तो गाड़ी में ये कैमरा रख के फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। पूरा ये पैदल रास्ता नमाज खत्म, अब हमने लंच कर लिया था फिर नमाज पढ़ने गए, उसके बाद अब हम जा रहे हैं होटल, थोड़ा रेस्ट करेंगे और डाटा ट्रांसफ़र करना है, फ़ोन हैंग करना शुरू हो चुका है, और अब बस निकलेंगे यहाँ से होटल के लिए, उसके बाद थोड़ा फिर शाम को निकलेंगे कहीं पे कुछ खाने वाने के लिए अगर जाना हुआ तो।